तो हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं आगरा और हमने अपना होटल ले लिया है। तो मैं होटल में घूम रही थी तो मैंने सोचा आपको अभी पहले बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ आगरा का, जहाँ पर हमारा होटल है। तो ये रहा हमारा होटल का बाहर का व्यू। ज़्यादा सुंदर नहीं बट हाँ शांत है। तो हम पहुंच गए रेस्ट करने के बाद बाहर। बाहर जा रहे हैं हम घूमने के लिए क्योंकि सोने के बाद थोड़ा सा भूख लग गई है। तो हमें बाहर होटल से थोड़ा आगे जाते ही सब निकले। देन उसके थोड़ा सा आगे जाते ही हमें मिल गया एक पानी पूरी वाले भैया। तो ये हमने लगाई इनसे अमेजिंग। एक प्लेट खाने के बाद फिर हमने एक और प्लेट लगाई क्योंकि बहुत ही टेस्टी है। देन हमने एक और प्लेट बनवाई और उसको खाई। उसमें हमने ज़्यादा इमली की चटनी और दही डलवा कर इसको अच्छे से और ही बनवा कर हमने खाई है। तो ये सब हम सब ने इतना हमने ये खाई, इतना एक और लगवाई और फिर यही चलता रहा। और फिर पापा को भी टेस्ट कराई। देन पापा ने टेस्ट की, मैंने टेस्ट की, हुमा जी ने टेस्ट की, सब ने टेस्ट की। उसके बाद हमने सोचा चले ठीक है एक छोटा सा सबको कैप्चर कर लेते हैं। ये देखिए भैया लोग सोच रहे थे पता नहीं कौन है ये भूखे जो तीन चार प्लेट खा चुके हो। और ये ही मम्मी, मैं और ये बुश, हम तीनों के तीनों यही सब करते रहते हैं। तो उसके बाद हम पहुँच गए जूडियो शॉपिंग करने के लिए क्योंकि हमें चाहिए थे शूज़। और शूज़ क्योंकि थोड़े कंफर्टेबल चाहिए थे मम्मी के लिए और मेरे लिए, मुझे शूज़ पसंद आए हैं। तो हमने ऐसे एक शूज़ लिए, ये रेची जो मम्मी पापा सबके सब यहाँ हैं। और ये दिखा मिरर और ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम पहुँच गए हैं चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर हमने चाय बनाई और भैया को हमने देखा तो जूम करके, तो भैया एकदम गुस्से, क्या है। उसके बाद चाय पीने के बाद हम निकल लिए तो ये दोनों लड़ रहे थे पता नहीं किस बात पर। और फिर इनकी सुलह हो गई। उसके बाद मैं और हुमा दी, ये देखिए क्या बोल रहे थे हुमा दी और मैं, बोल रहे थे कैसा लग रहा है। तो ये मुझे बोल रही थी कि जैसा सब जगह लगता है वैसे ही मुझे यहाँ पे भी लग रहा है, क्या इस खास है, मुझे क्यों लगे कि इनका मन नहीं था आने का। उसके बाद हम पहुंच के पंछी पेठा, यहाँ का फेमस पंछी पेठा है। यहाँ ये जितने भी जहाँ भी सप्लाई होता है यहाँ से यहीं से सप्लाई होता है पंछी पेठा। यहाँ का फेमस है एक ब्रांड इनका, सोचो पंछी। देन हमने यहाँ पर हर तरह की वैरायटी की जितने भी पेठे थे ना सब टेस्ट कर लिया। हर एक टेस्ट करा हमने, एक भी नहीं छोड़ा होगा, चॉकलेट का भी, पान वाला और पता नहीं कौन कौन से थे। सब टेस्ट करने के बाद मैंने आपको, इन्होंने भी सब दी जीजू सबके सब टेस्ट करने पे लगे हुए थे। तो मैंने सोचा ली इनकी बहुत बड़ी शॉप थी और पेठा भी बहुत ही टेस्टी था। तो हमने अपने खाने के लिए 1 kg ले लिया और उसके बाद हम निकलते हैं बाहर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर एक पास में एक चाय वाला भी है जिसकी शॉप आगरा में कभी भी बंद नहीं होती। तो ये है वो चाय वाले भैया जिनकी 24 घंटे शॉप खुलती है चाय की और बहुत ही फेमस है। तो इनका यहाँ पर भी इन्होंने ये टपरी लगा रखी है इस तरह, इनकी जस्ट अपोजिट साइड पास में इनकी शॉप बन रही है तो यहाँ पर है। तो हमने यहाँ चाय पी। देन उसके बाद हम निकल गए रूम की साइड क्योंकि हमें घर जाना है, हम थक गए हैं सुबह से ट्रैवल करते हुए, घर से निकले थे। उसके बाद डिनर कर चुके हैं हम, डिनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था दोस्तों। उसके बाद हम एक रास्ते में, हमारे होटल के सामने एक शादी हो रही थी, ये हमने यहाँ की शादी भी देख ली है। और उसके बाद ये रहा हमारा नेक्स्ट डे का लुक। तो चलते हैं आज हम जाएंगे कहाँ पर, ये तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो ये मैं और हुमा दी इंजॉय करते हुए टूरिस्ट है सो दैट हम आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इतना अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।